जय श्री ओम नमः सिद्धिविनायक ओम नमः सिद्धिविनायक ओम नमः सिद्धिविनायक नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो अरिहानं नमो अज्ञानं नमो लोये समसाहुन मंगलम भगवान मीरो मंगलम भक्तमोहि मंगलम पुण्यकुंडलो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्व आज की चर्चा स्पेशल है सभी बच्चों के लिए सभी के लिए हमेशा हमेशा के लिए आपको कोई काम आएगी आज की चर्चा कोई भी बच्चा रीढ़ की हड्डी नहीं झुकाएगा ऐसे हाथ पैर नहीं करेंगे जिसको नींद आ रही हो वो आगे आके से बैठ जाओ ठीक है खड़े हो हाँ हो जी खड़े कोई बात चोरी क्यों करते हो तो बहुत रिपोर्ट है तुम्हारी चोरी करते हो सही बोलो बहुत रिपोर्ट आ रही तुम्हारी बैठे कोई इस तरह से आरोप लगा दे भरी सभा में तो कितना गंदा लगता है चोरी आप चोरी नहीं करते करते हो मैं भी करते हैं हाँ तो ठीक चोर चोर मोसे रे भाई ये तो मैंने एक पॉइंट बोला यदि किसी को अचानक खड़ा कर दिया जाए तो बहुत गंदे लड़के हो क्या बदमाशी करते हो तो सुनते थे ऐसा लगता बाप रे पता नहीं उन्होंने कब देख लिया हर लड़का बदमाशी करता है लेकिन चिपके करता है मेरा कहने मतलब है कि मैं यदि यहां नहीं पढ़ रहा होता और मैं किसी हॉल में मोटिवेशनल स्पीकर की तरह होता तो मैं अलग स्टाइल से पढ़ाता लेकिन अभी मैं बड़ी सब स्टाइल से पढ़ाऊंगा आप उसको अच्छे से समझें और बहुत एंजॉय करेंगे ओके डरना नहीं हाँ तो चलो स्टार्ट करते हैं कोई आपके मम्मी पापा को बुरा कहे आपको कैसा लगेगा देखो आपकी औलाद जेल जा रही है आसाराम बापू अच्छा है आसाराम बापू के मम्मी पापा नहीं नहीं तो आज वो कैसा लगता आपने कभी न्यूज़पेपर पढ़ा हो कोई कोई लड़के गलत घटना करते हैं ना गंदी घटनाएं करते हैं और जेल जाते हैं तो मम्मी पापा मिलने भी नहीं जाते पुलिस वाले उनसे पूछते ना तो कहते नहीं हमारा बेटा ही नहीं उसे आप फांसी चढ़ा दो भोपाल की घटना हुई मम्मी पापा ने मिलने से मना कर दिया एक भी रिश्तेदार मिलने नहीं आया क्या आप चाहते आपके माता पिता पहली लाइन लिखी देखिए माता पिता धर्म समाज की प्रतिष्ठा चाहते हो तो अवश्य पालन करिए आप इतने आनंद में रहेंगे इतने आनंद में उससे भी पहले ऊपर का इंग्लिश में देखिए इंग्लिश में क्या लिखा है जी आपके लिए एट स्ट्रेस है स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना होता मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि वर्ल्ड में जितने लोग स्ट्रेस में जी रहे हैं डिप्रेशन में जी रहे हैं फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं वो एट स्ट्रेस का पालन नहीं करते पक्की बात एट स्टेप्स है स्टेप्स टू स्ट्रेस फ्री लाइफ आज यदि मैं प्रूव करूंगा तो आपको इतने स्ट्रेस में जी रहे हैं लोग इतने स्ट्रेस में जी रहे हैं आप भी स्ट्रेस में हो आप सब भी स्ट्रेस में हो 12 घंटा पढ़ाई पापा क्या बोलेंगे बड़ा होकर पापा का नाम करेगा और मेरे पापा ने 1,00,000 रुपया खर्चा किया मेरे ऊपर नौकरी नहीं मिली तो क्या होगी इतनी स्ट्रेस में यार मेरे क्या है क्या कह रहा है रैंक रैंक की स्ट्रेस नहीं होती आप लोगों को तो उस स्ट्रेस से कैसे निकलेंगे उसकी चर्चा कर दें अपनी प्रतिष्ठा की चिंता हो पहला ही पॉइंट है अपनी प्रतिष्ठा माता पिता की प्रतिष्ठा समाज की प्रतिष्ठा ऐसा नहीं होना चाहिए लोग ये कहने लगे अरे ज्ञानी लोग तो सब खाने लगे ऐसा नहीं होना चाहिए अरे ज्ञानी लोग ऐसा नहीं होना चाहिए लोगों को ऐसा लगे ज्ञानी ओहो जैनी लोग तो गजब
मैंने आपको इतनी बातों का ध्यान रखना है, पर्सनल पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी कह सकते हो, पर्सनल डेवलपमेंट भी कहता है, ब्यूटी ऑफ ह्यूमन। मैं इसी टॉपिक से बात करूंगा तो बहुत खुल के कहूंगा, सुंदरता है जीवन की। एक व्यक्ति बहुत सुंदर है, नाम आप सब जानते हो उसको, फिल्मी हीरो है, लेकिन आज तक शादी नहीं हुई, 50 साल का हो गया बेचारा। हाँ देखो इसको नाम भी मालूम, याद आ गया ना। 50 साल का बेचारा, तो सुंदर है तो फिर उसको कोई शादी क्यों नहीं हुई इसकी? बस उसको तो हजारों लोग चाहते हैं, बहुत सारे फिल्में देखने वाले आते हैं उसे, लड़कियां बहुत चाहती हैं, शादी क्यों नहीं हुई? कि उसकी ब्यूटी में ये 8 चीजें नहीं है। उसने मसल्स बनाने के लिए पाउडर खाया था, जिम में जाते हैं जो लोग जिम में, वो पाउडर खा के मसल्स बनाते हैं, उसके कारण ब्रेन बहुत एक्साइटेड होता है, पेशेंस नहीं रहता। जिसकी स्टोरी मैं सुना रहा हूं ना आपको, उसका भी अफेयर हुआ, उसको चाहने वाली थी, अफेयर हुआ, लेकिन जरा जरा सी बात पर उसको गुस्सा आ जाता, क्योंकि उसे पाउडर खाया था जिम का बनाने वाला, तो अंडर कंट्रोल नहीं रहता था, ना मालूम किसको मारा था उसने। जी आप छोटे थे ना इसलिए नहीं मालूम, उस समय आप छोटे थे। अभिषेक बच्चन की मिसेज है ना, उससे उसका अफेयर चलता था शादी के पहले, उसकी शादी में, तो इतना गुस्सा आता था उसको, इतना कि वो क्या कहलाता है, वो शूटिंग होती, शूटिंग स्पॉट, जन किस बात पर उताव आ गया, तू लेट क्यों हुई, तुझे दो मिला के। उसने कहा मर गए, शादी नहीं हुई जब जी हालत है। शादी के बाद क्या होगा, ब्रेकअप। ब्रेकअप के बाद भाई साहब सैड सॉन्ग गाते रहे। देवदास की तरह परेशान होते रहे बेचारे का, 3 बार तो हो चुका ब्रेकअप, अब बेचारा कुंवारा ही मरेगा। मैं तो ये इसलिए कह रहा हूं बेटे, कि जिसे तुम बहुत आइडियल मानते हो, जिसे मॉडर्निटी मानते हो, वो सुंदर क्यों नहीं था? क्योंकि उसकी जिंदगी में ये 5-8 चीजें नहीं थी। आइए आपकी सुंदरता बढ़ाने के लिए पढ़ा रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी के लिए पढ़ा रहे हैं। नंबर 2, नंबर 3, स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसे जिएंगे उसके लिए चीज पढ़ा रहे। परिभाषा, सम्यक दर्शन सहित, यदि हम अणुवृत्तियों की बात करें ना, अणुवृत्तियों की बात, तो सम्यक दर्शन सहित और श्रावकों के प्रधान आचरण को, श्रावकों के प्रधान आचरण को, प्रधान का मतलब समझ आया, जैसे किसी आदमी का इतना सा हिस्सा ना हो और इतनी बड़ी बॉडी हो तो जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा? वाह इतने से क्या फर्क पड़ता है, इतना सही नहीं है बस कट। नीचे तो पूरा है ना, ये कहलाता है आप कितना भी आचरण करें, व्रत उपवास करें, लेकिन यदि ये आपका मुख्य आचरण, प्रधान ये मुख्य आचरण, यदि जिंदगी में आप बहुत बड़े प्रवचनकार हो गए, लेकिन ये 8 चीजें आपकी जिंदगी में नहीं है, आप बहुत बड़े दानी हो गए, बहुत बहुत कुछ करने वाले हो गए, हो सकता है पैसे के बल पर आप 100 धर्मेंद्र बन जाएं, आपकी वीडियो बन जाए, फोटोग्राफी हो जाए आपकी, लोग वाह वाह कर बैठे, लेकिन आपकी जिंदगी में यदि ये 8 आचरण नहीं है तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं। 2 एंगल से ये बात पढ़ा रहा हूं, एक तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, और मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि जिंदगी में आप ग्रुप शिविर में जाएं, किसी विद्यालय में जाएं, कॉलेज में जाएं, यूनिवर्सिटी में जाएं, प्रवचन करने जाएं, तो आप इसका प्रवचन जरूर करें, इसको जरूर समझाएं। अभी 1 घंटा पूरा हो जाने दीजिए, इसके बाद आपको खुद लगेगा कि पंडित जी ये तो मुझे अपनी सिस्टर को भी समझाना पड़ेगा, मेरे ब्रदर को भी समझाना पड़ेगा, मेरे कजिन को भी समझाना पड़ेगा। अभी ये आपको पूरा हो जाने दीजिए, ओके। मैंने अपन फास्ट नहीं चलेंगे, बहुत अच्छे से चलेंगे। अंश ठीक है, वेरी गुड। संबर ही ना, वेरी गुड। आइए रेडी होती परिभाषा होगी, प्रयोजन। यदि मैं इंग्लिश में से बोलूंगा, मैं मोटिवेशनल स्पीच के रूप में, तो मैं तो ऐसे बोलूंगा, यदि आपको स्ट्रेस नहीं चाहिए हो, क्या कहलाता है, डिप्रेशन नहीं चाहिए हो, और क्या है, इरिटेशन नहीं चाहिए हो, एक आध शब्द और बोल दो कोई, हाँ फ्रस्ट्रेशन नहीं चाहिए हो, तो उसके लिए पढ़ा रहे हैं। लेकिन इसको मैंने आपको पता है
फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, जो जो जितनी इंग्लिश में बोलती है ना, उसका जिनवाणी में नाम है आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। उसका नाम क्या है? यदि आप आर्त रौद्र ध्यान छोड़कर धर्म ध्यान पूर्वक जीवन यापन करना चाहते हो, रिलैक्स माने धर्म ध्यान, स्ट्रेस फ्री माने धर्म ध्यान, एकदम मस्त रहना चाहते हो, आनंद में रहना चाहते हो, तो आप इसको जरूर पढ़िए। याद रह जाएगी इतनी बार, बढ़िया। चलूं आगे चलूं। वर्तमान समय में विद्या अध्ययन काल में ही निम्नोक्त अष्ट मूल गुण अवश्य ग्रहण करना चाहिए और आगे विद्यार्थी जीवन के बाद आगम के अध्ययन पूर्वक, अभ्यास पूर्वक अपनी संयम पूर्णता का प्रयास करें। बराबर, समझाने की जरूरत तो नहीं। आपकी स्टडी लाइफ है, आपने देखा है स्टूडेंट लाइफ पर एक ऐसे लिखा जाता है स्कूलों में, स्टूडेंट लाइफ पर विद्यार्थी जीवन, उसमें आपने एक बात पढ़ी होगी, मनुष्य के जीवन को चार भागों में बांटा जाता है। पढ़ा है? पहला भाग कौन सा है पता है? हाँ, ब्रह्मचर्य आश्रम। पहला कौन सा है? ब्रह्मचर्य। ये पहला पालन करने लायक है। आइए अपन देखते हैं। नंबर एक, अहिंसा अनुव्रत। अष्टमूल गुण की चर्चा है, लगभग लगभग आप सबको याद होगा अष्टमूल गुण में पांच उदंबर, मध्यमाश, मधु का त्याग। यहां मैं इतना कहना चाहता हूं, ये जैनियों के लिए तो है ही, लेकिन ये अजैनों से जैन बनने के लिए है। इसका पालन तो हम करेंगे, लेकिन इतना सा नहीं है आपका अष्टमूल गुण। फिर से बोल रहा हूं, ये तो पालेंगे लेकिन इतना सा नहीं है। अजैन, नॉन जैन, कोई मोमडन हो, कोई आदिवासी हो, कोई ग्रामीण हो, कोई फार्मर हो, किसान हो, यदि वो जैन धर्म अंगीकार करेगा तो उसके लिए पांच उदंबर का त्याग और मध्य मांस मधु, ये तो अपन खाते ही नहीं है, तो अपने को तो फिर अष्टमूल गुण ऑटोमेटिक हो गए कि नहीं। आचार देने का नहीं, आपका अष्टमूल गुण है पांच अणुव्रत, कंपल्सरी है आपके लिए पांच अणुव्रत। ध्यान रखना, दूसरी प्रतिमा की बात नहीं चल रही, दूसरी प्रतिमा तो इससे भी उत्कृष्ट होगी, लेकिन पांच अणुव्रत और तीन क्या है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, इसी में नीचे लिखा है, जब आएगा तब बताएंगे। आइए, अहिंसा अणुव्रत पढ़िए। पहला कौन सा है? जैनियों की पहला सिंबल है, सिंबल बेहिंसा नहीं करते। पूरे वर्ल्ड में जैनों का सिंबल है, जैनी पहचाने जाते हैं कि वो हिंसा नहीं करते। तो कैसी हिंसा नहीं करते, आइए अपन देखते हैं। कोई पढ़ के सुनाइए, चलो मैं ही सुनाता हूं। बैठे बैठे बोलिए, संकल्पी हिंसा का त्याग। इसमें गलत छपा है, संकल्पी लिखा है ना, संकल्पी, तो सही कर देंगे उसको हम। संकल्पी हिंसा का त्याग, पॉइंट नोट किया जाए, जरा ध्यान से सुनना सभी बच्चों। संकल्पी हिंसा का त्याग अकेला नहीं होना चाहिए, कुछ बड़ी बात कह रहा है मुझे अच्छी बैठे बैठे इस माइक पास करो सनाबत। हाँ, संकल्पी हिंसा का त्याग आरंभिक औद्योगिक एवं विरोधी हिंसा को घटाने की भावना। मेरी ओर देखो, कोई भी इधर उधर नहीं देखना, मैं कुछ मार्मिक बात कहना चाह रहा हूं। जिंदगी भर के लिए आपको याद रखना है, प्रवचन करते समय भी आपको ध्यान रखना है और अभी भी ध्यान रखना है। हम क्या सोचते हैं, हमने तो छोड़ दिया, हमने तो आलू छोड़ दी, वेरी गुड, लेकिन अन्य अन्य जमीकन के भी त्याग की भावना, घटाने की भावना, हमने तो संकल्प हिंसा का त्याग कर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा, लेकिन वो तीन हिंसा तो करेंगे ना, करेंगे नहीं घटाएंगे, क्या बोला हमने, करेंगे नहीं घटाएंगे। ये बात पक्की है कि हमारे जीवन में से वो टोटली नहीं जा सकती देसाई, बट इन योर हैंड। हाँ नहीं, कुछ नहीं करेंगे। हाँ समझ में आया, बिल्कुल गौर से सुनिए, मैं इसको एंजॉय कराना चाहता हूं। हमको ऐसा लगता है हमने तो रात में पानी नहीं पीते, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, जितने का त्याग किया है, पॉइंट नोट किया जाए, नोट किया जाए, मैंने याद करना है आपको, लिखना नहीं है, लिखना चाहे तो धीरे से लिख लेना, नहीं तो याद कर दीजिए। जो हमने त्याग किया है उसकी अभिलाषा नहीं करेंगे, जिसका त्याग नहीं किया है उसमें अनासक्त रहेंगे। कौन समझा? कम बच्चे समझे? फिर से, जो चीज हमने त्याग दी है उसकी अभिलाषा नहीं करेंगे। आलू छोड़ देता हूं, आलू की अभिलाषा नहीं करूंगा,
मजे आ रहे होंगे तुमको ना, कितनी बढ़िया चाट। अभिलाषा नहीं करेंगे, जो चीज हमने त्याग दी रात्रि में भोजन त्याग दिया तो रात्रि भोजन का अभिलाषा नहीं करेंगे, और जो चीज नहीं त्यागी है उसमें अनासक्त रहेंगे। मैं इसको और अच्छी भाषा में कहता हूं, अवक्ष का तो त्याग ही है। बेटी अच्छे से बैठ, बिल्कुल मैं चाह रहा हूं आज आपको पूरा फोकस मेरे ऊपर रहे, बिल्कुल आप ऐसे देखिए जैसे पिक्चर देख रहे हैं आप। फिर से, अवक्ष का बाजार का तो त्याग ही है, लेकिन जो शुद्ध सामग्री खाना है उसमें आसक्ति का त्याग है। आपको पता है 10 लक्षण में क्या होता है, हम बाजार की चीजें नहीं खाते, हरी सब्जियां नहीं खाते, लेकिन हलवा बहुत खाते, खीर ऐसे खाएंगे, अब एक ही टाइम तो खाना है मम्मी तो खीर खूब खाएंगे। पॉइंट समझ आएगा किसी बच्चे को? जो त्यागा है उसकी अभिलाषा नहीं करेंगे, और जो नहीं त्यागा है उसमें आसक्ति नहीं करेंगे। अनासक्ति नहीं करेंगे, आसक्ति नहीं करेंगे, आसक्ति चाहे जैसे कपड़े तो पहनेंगे ही नहीं, लेकिन जो कपड़े पहनेंगे उसमें भी अनासक्त रहेंगे, मैंने आसक्ति नहीं करेंगे। ए तूने मेरी बनियान क्यों पहनी, तूने मेरी शर्ट क्यों छुई, छुई तो क्यों छुई, ए तू रावण है क्या, छुई तो छुई, उसमें क्या दिक्कत है, मैंने लड़ने की जरूरत नहीं है। सबको याद रहेगी बस, संकल्पी का त्याग है और तीन हिंसा के नाम बोलो, आरंभी, औद्योगिक और विरोधी। विरोधी आरंभी, औद्योगिक, विरोधी। मैं 1 घंटा प्रवचन करना चाहता हूं इस पर, लेकिन नहीं करूंगा, 1 ही मिनट करूंगा। खास तौर से जो लोग संकल्प हिंसा के त्यागी हैं वो इस पॉइंट पर खूब ध्यान से सुने। बिजनेस लंबा संबा बढ़ाते चले जाते हैं, 1 करोड़, 1 अरब, 1 खरब, एक चलते चले जाते, क्यों चले जा रहे हो आप, क्यों? इसलिए मैंने कहा है औद्योगिक हिंसा को घटाता है वो, व्यापार को घटाता है वो, आरंभ को घटाता है, लड़ाई झगड़ों को घटाता है। टोटली लड़ाई झगड़े का त्याग नहीं कर सकते गृहस्थ जीवन में, लेकिन घटा तो सकते हो। व्यापार, सभी लोग फिर से सुनना, व्यापार, फिर से कह रहा हूं, व्यापार औद्योगी, वे लोग बहुत बड़े भूल में है जो उद्योग बढ़ाते चले जाते हैं, व्यापार बढ़ाते, क्यों? तुम्हें कितने की नौकरी चाहिए, अंदाज से बोल दो, जॉब का पैकेज बोलो बेटे, सीनियर लोग बोलो, छोटे क्या बोलेंगे, बोलो बेटे सीनियर 12th, आपको कितने का पैकेज चाहिए, मैक्सिमम बोलो, चलो बोलो बोलो, डरो मैं ये करो है? नहीं कोई बात नहीं, जितना पैकेज बोलना है बोलो, 1 करोड़, बस 1 करोड़ एनुअल, ठीक कोई बात, लिख लो बेटे आगे, हो सकता है आपका पुण्य का उदय आए और 1 करोड़ का पैकेज आसानी से मिल जाए। उस समय आप 1.5 करोड़ की चाय मत करना, 2 करोड़ की चाय नहीं करना, 3 करोड़ की चाय नहीं करना। आदमी बेवकूफ है, ढोर ढोर ढोर, शांति से खा नहीं सकता, शांति से बैठ नहीं सकता, पुण्य का उदय उसको दौड़ाती है, सफलताएं उसको दौड़ाती है, सफलताएं। आप देखते हो जब तक आदमी फुल हेल्दी है, फैक्ट्री मीटिंग, ये वो 10 फैक्ट्री खोल लेगा, अमेरिका जा रहा हूं, यहां से जाता है जैसे विदेश से जा रहा हूं, एक हांगकांग हो गया, एक सिंगापुर हो गया, एक वो कनाडा, कनाडा, हेलो, यदि मेरे सामने कनाडा से बात कर रहे हो, कनाडा, ओके ओके, यहां से लगता है जैसे बेवकूफ कहीं का, कुछ समझ गए बेटे, बहुत खुल्लम शब्द में कहीं। संकल्पी का तो त्याग ही है, लेकिन इन तीन को भी घटाना है, लड़ाई झगड़ों को घटाना है, आरंभ को भी घटाना है। पता नहीं क्या बेवकूफी, जिंदगी भर मकान ही बनाते रहो, काय के लिए बना रहे भाई साहब, कितने में सोओगे आप, कितने में रहना है आपको। महिलाएं इस मामले में दी बेस्ट इंटेलिजेंट होती है, समझदार होती है, महिलाएं ऐसी गलती नहीं करती, लेकिन पुरुष बेवकूफ होता नंबर 1 है, ऐसे कैसे नहीं, अरे वो बहुत समझदार होती है, उनको पता होता है कि घर में 4 मेंबर हैं तो 16 रोटी गिन के बनाती है वो, बर्ड रिकॉर्ड नहीं बनाती, बर्ड रिकॉर्ड 5 दिन तक रोटी बट रही है। बोले क्यों बर्ड रिकॉर्ड, ये तो कौन खाएगा, खाएगा कोई नहीं, और बनाते बनाते 4th दिन मर गई। एक सच्ची बात है,
वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते ना वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो धोबी को दिमाग में चला कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। धोबी को, धोबी तो समझते ही अब, तो पानी में खड़ा और कपड़े धोना, उसे कंटिन्यू का रिकॉर्ड बनाना था, कंटिन्यू कपड़े धोने का रिकॉर्ड, धो जा रहा कंटिन्यू का। अब वो गर्मी चढ़ रही, प्यास लग रही, लेकिन पानी पिएगा तो रिकॉर्ड टूट जाएगा, बन नहीं पाएगा। इस चक्कर में ये कपड़ा और धो लूं, ये कपड़ा और धो लूं, ये कपड़ा और धो लूं, और पानी की कमी से मर गया। फिर बाद में पानी में गिर पड़ा वो बेहोश होकर के मर गया। बाद में उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, गलत बात बेटी, पेन से कभी नहीं खेलना, कोई बच्चे ऐसे पेन से नहीं खेलना। बोलो फुल फोकस के साथ सुनिए आप, मैं आपके लिए इजी कर रहा हूं, मैं चाहूं तो इसमें बड़ा गरिष्ठ प्रवचन कर सकता हूं लेकिन बहुत इजी कर रहा हूं। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई कि पानी में पड़ा हुआ धोबी पानी की कमी से मर गया। ऐसे ही महाभाग, महाभाग जिनको मिला, देवसास गुरु माता पिता मिले अच्छे, स्वस्थ शरीर मिला, फुल टाइम ये चाहे तो आत्मा का आनंद ले ले, और आत्मा के आनंद की कमी से मर गया। और मेहनत करता रहा, करता रहा, दौड़ 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 दौड़, कमा 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 कमा, और मरते समय कुछ नहीं लेगा। पता है अंबानी वो मेरे में क्या अंतर है? इस समय अंबानी इंडिया का टॉप है ना, टॉप है ना वो, और मेरे में उसमें क्या अंतर है? है क्या अंतर है बोले? मैं बता दूं, मैं बताता हूं, मैं जब मरूंगा तो कुछ छोड़ के नहीं मरूंगा, वो ढोर जब मरेगा तो पूरा छोड़ के मरेगा। इतना ही फर्क पड़ेगा, इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि संग तो ले जाने की व्यवस्था नहीं है। चार रोटी में खाता हूं, चार वो खाता है, लेकिन मैं जितना रिलैक्स होकर खा रहा हूं, जिंदगी को जी रहा हूं, वो नहीं जी रहा, नहीं जी रहा बिल्कुल। अब बोलो बेटी, आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है कि स्ट्रेस की लाइफ जीनी है? पहला भी पॉइंट ध्यान रखना, अनाप शनाप व्यापार धंधा नहीं करना है, या इंसान व्रत है, फालतू की लड़ाइयों में नहीं पड़ना। पहले तो 50 मकान बना लिए, अब दिन रात वकील के बैठे हैं, वो मकान खाली नहीं कर रहा है, उसने कब्जा कर लिया, फिर गुंडों से पाला पड़ गया, गुंडों से खाली करवाया था, अब गुंडे चढ़ बैठे इस पर, उसने खाली तो करवा दिया, गुंडे चढ़ बैठे हर महीना लाओ ब्लैकमेल। नहीं बेटे, जिंदगी में सुखी रहने की पहली विधि बता दी आपको, आगे चले बेटे, जो जो सरल चीजें उसे छोड़ेंगे। आगे देखिए, छना हुआ जल पीना चाहिए, सेवन करना चाहिए, पीना नहीं लिखा है, बिना छना जल काम ना लेंगे, वजन काहे पर है, हाँ ये जैनियों की पहचान है, बिना छना जल काम नहीं लेंगे, पीना तो बहुत दूर की बात, रात्रि भोजन का त्याग, ये मैं नहीं समझाऊंगा आप जानते, मध्य मास मधु पंचदम्बर का त्याग, ये भी मैं अभी नहीं समझाऊंगा, ओके। चमड़े के जूते बेल्ट आदि नहीं, इसके पहले इसमें कुछ और छपा होगा, क्या छपा है? हाँ, अंजीर कटल आदि फलों का त्याग, फास्ट फूड एवं बाजारू भोजन। बाजार के भोजन की बात सुन लो बेटे सभी लोग, क्या आप सुअर की चर्बी खा सकते हैं? यदि रेडियो तो हाथ खड़ा करो। सुअर की चर्बी इंदौर, उज्जैन, नागदा, देवास और एक स्थान और है, पांच जगह है, वहां के होटलों में एक बिमल जालान करके का आदमी है, श्वेतांबर जैन, वो इसका अध्यक्ष है, सुअर पालन केंद्र का बहुत बड़ा बिजनेस है उसका। वहां की होटलों में सुअर की चर्बी घी के नाम पर सप्लाई की जा रही है, इंदौर, उज्जैन, नागदा, देवास पर एक नाम और आसपास का में पर लिखा हुआ है, चैत्री चेतना में इसका नाम आया है, पूरा पूरी डिटेल आई थी इसकी। घी इतना महंगा है, असली घी वो तो मिलता नहीं, घर में हमारी मम्मी वो बनाती है बिस्किट, क्या बोलती है, शक्कर पारे, नमक पारे, जो भी बनाती है ना बनाती है। आप उनको देखिए, मम्मी उसमें घी का मौन लगाती है खस्ता बनाने के लिए, इतना घी डालती तो अभी उतने खस्ता नहीं होते जितने बिस्किट खस्ता होते, मार्केट के बिस्किट, मार्केट के बिस्किट्स आदि जितने भी आइटम टॉफी वगैरह आप चाहे तो सबकी डिटेल मेरे पास है, और बाकी आपकी जो मंगल प्रज्ञा छपी है ना यहाँ की, तो उसमें भी दिया डिटेल, आप उसमें देखें, इनमें सुअर की चर्बी का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हमने बाजारू खान पान का निषेध किया है अहिंसाणु व्रत के अंदर।
जितनी चीजों की जानकारी आपको लेनी है आप ले सकते हैं मेरे से भी, मेरे पास उनकी पिक्चर्स और जो जो है बहुत सारी चीजें हैं आप ले सकते हैं। आगे देखिए और क्या लिखा है इसमें, हाँ पैक रस, मार्केट में पैक रस आते हैं, पैक रस आम का रस, मैजी मैगी मैगी क्या है? माजा माजा। अभी आपने वीडियो देखी उसकी व्हाट्सएप पे आई वीडियो, सड़े सड़ा आम उनकी माजा बन रही है। गाजियाबाद में टोमेटो सॉस, टोमेटो केचप इसकी फैक्ट्री है, वहां टमाटर का इस्तेमाल ही नहीं होता, एक भी टमाटर का इस्तेमाल नहीं होता उस सॉस बनाने में, मार्केट के सॉस इस्तेमाल मत करिए, मार्केट के केचप जो जो के पैक रस चटनी सॉस चर्बी आदि एवं ई नंबर वाले पदार्थों से बचें। अगला लिखा है जैन फूड कल्चर का प्रयोग करें, पालन करें। मैंने फूड कल्चर साफ से डाला है इसमें, जैन फूड कल्चर। कई बार आपको लगता है ना कि क्यों आप आलू नहीं खाते, तो आपको कहने में बड़ी शर्म सी लगती है अपने मॉडर्न इंग्लिश मीडियम के छात्रों के बीच में, कंपनी के बीच में, कि मैं आलू नहीं खाता रात को नहीं खाता। आप ऐसा बोलिए आई एम फॉलोअर ऑफ जैन फूड कल्चर, ये बात मैंने अभी अभी इससे सीखी, वर्ल्ड फुटबॉल कप हुआ ना, वर्ल्ड कप फुटबॉल का फीफा है ना, ये हुआ था, इसमें एक खिलाड़ी इतना गरीब था, आज तो 9 करोड़ रुपए में बिका हुआ है साल भर में, वो खिलाड़ी इतना गरीब था बचपन में, उसकी माँ ने उसे कभी भी कुछ भोजन में अच्छी चीज नहीं दे सकी, केवल रोटी और दूध के सिवा कुछ नहीं दे सकी, इतना गरीब। तो वो स्कूल जाता था या कहीं जाता था, सब लोग तो सब तरह के आइटम खाते थे और वो नहीं खा सकता था, तो उसने अपनी मम्मी से पूछा कि ये लोग तो सब खाते हैं अपन क्यों नहीं खाते, तो मम्मी ने इतना प्यारा जवाब दिया था, बेटा इट इज अवर फूड कल्चर, इसलिए मैंने यहां पर फूड कल्चर शब्द डाला आपके लिए, ये हमारा कल्चर है। आप गर्व के साथ कहिए आप आलू क्यों नहीं खाते, बिकॉज इट इज अवर फूड कल्चर। साथ में एक बात और आगे लिखिए, दूसरों के फूड कल्चर से घृणा भी ना करें। एक पेरेंट्स मुझे ऐसे मिले, एक पेरेंट्स छोटा बच्चा उनका, और उस बच्चे को हमेशा ये सिखाते अपना टिफिन शेयर नहीं करना, मुसलमान लोग अंडा खाते हैं, ऐसा खाते हैं, आमले खाते हैं, वे लोग ऐसे गंदे होते हैं हरिजन लोग, उनका नहीं खाना। अब बच्चे को सिखा दिया, बच्चा स्कूल में गया उसने अपना टिफिन शेयर नहीं किया, तो फ्रेंड तो वही होते हैं सारे सारे जो अदर कास्ट के भी होते हैं, तो उसे उसी शैली में कहा हमने खाते तुम्हें, तुम घिना हो, क्या खाते तुमने, अंडा है मच्छी है छी। तो इससे लड़ाइयां होती है, इससे लड़ाइयां होती है। हम अपने बच्चों को भी नहीं सिखाएं ये बात, हम उसको ये सिखाएं इट इज अवर फूड कल्चर, हम दूसरों के फूड कल्चर से घृणा नहीं करें, इससे भी हिंसा होती है। आप रत्नगर साहब का चार्ज पढ़ेंगे, मिथ्या दृष्टियों के मंदिर भी नहीं मिटाना, मिथ्या दृष्टियों के धर्मी धर्मात्माओं की हंसी नहीं उड़ाना, ये रत्नगर साहब का चार्ज पढ़ेंगे आप। तो इतनी बात तो सरल थी, आगे बढ़िए। चमड़े के बेल्ट जूते या अन्य सामग्री, समझ गए बेटे सब लोग, रेशम कोसा जैसे अन्य हिंसक वस्त्र आदि का त्याग करें। हिंसक प्रसाधन सामग्री, एक बार फिर आ रहे हैं हम उसी बात पर, जितनी भी लिपस्टिक बनती है अच्छी क्वालिटी की, जिसे आप कहते हो अच्छी क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी तो कोई होती नहीं है, जितनी भी क्रीम बनती है लक्मे फेयर एंड लवली और कौन कौन सी बनती है, नाम मालूम होंगे आपने जो भी होंगे, इन सब में चर्बी का ही इस्तेमाल होता है। मार्केट में आने वाली साबुन, फिर से बोल रहा हूं, हिंदुस्तान लीवर वगैरह है, इसमें साबुन में गारंटी से चर्बी का ही इस्तेमाल होता है। टेलो डालते हैं, क्या डालते हैं, टेलो टेलो ऐसा कुछ नाम आता है, बहुत सारी चीजें, लेकिन उस चर्बी का इस्तेमाल, अब इससे बचना चाहिए हमको। एक तरफ हम कहते हैं हिंसा ना हो, एक तरफ हमारी वजह से सुअर मारे जा रहे हैं। सुअर मारने की विधि देखी है आप लोगों ने, सुअर को डायरेक्ट नहीं मारते, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फैट चर्बी सुअर में पाई जाती, सबसे ज्यादा, इसको कहते हैं फैट रिच एनिमल, क्या बोलते हैं इसको, हाँ। तो इसको मतलब इतना खराब तरीका है कि यहां जहां जहां इसके मांस के लोचड़े होते हैं ना बहुत, उनको ऑपरेट करके कट कर देते हैं और वापस सिल देते हैं, एक बार में 10 किलो मांस निकाल देते हैं इसकी बॉडी से और वापस सिल देते हैं, फिर खिलाते रहते हैं उसको, खिलाते रहते हैं, फिर बढ़ जाता है वो शरीर, फिर निकालते हैं, मैं जैसे खेती करते ना ऐसे करते,
बाकी आपको पिक्चर देखना हो तो मैं दिखा सकता हूँ, सुअरों को ऐसे टांग करके हाफ कट लगाते, हाफ कट सारा ब्लड निचोड़ डालते और उस ब्लड से बनती हैं बहुत सारी चीजें। तो हमको ये सावन, आपको पिक्चर देखनी तो मैं दिखा सकता हूँ, भेल मछली को मारे जाते हुए और भेल मछली के उसी से बनाई गई है क्रीम, ये क्या कहलाती है, लिपस्टिक। आप देखना चाहें तो बिल्कुल दिखा सकता हूँ, जब आप चाहें तब दिखा सकती हूँ, देख सकते हैं, रखिए मेरे पास। चले आगे चलते हैं, और क्या क्या चीज है, और कोई पढ़ो हाँ इनका प्रयोग नहीं समाधि इसमें। इससे पहले भी एक बात कहना चाह रहे हैं, बाद में लिखी इसमें, आत्महत्या नहीं करेंगे कभी। अच्छे से बैठो बेटे, फिर थके हुए आप, अच्छे से बैठ जाएंगे। क्या बोला मैंने, हाँ ये तो आप अभी हाथ खड़े करके प्रतिज्ञा ही कर लो, चाहे जितना स्ट्रगल आए हम फेस करेंगे। जैनी बच्चा कायर नहीं होता, जैनी बच्चा डिप्रेस नहीं होता, जैनी बच्चा घबराता नहीं है। आप मैं अभी एक साल के अखबार भी उठा के देखो, छह महीने के भी, दो महीने के भी, हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने कर्जा से दब करके सुसाइड कर लिया। छह लोगों ने अभी 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 आत्महत्या की, छह सात लोगों ने, पूरे परिवार के लोग मर गए केवल कर्जे की वजह से। लेकिन आत्महत्या नहीं करेंगे हम, फेस करेंगे हम। कायर, आप में से कायर हैं आप लोग, आप कायर हैं, आवाज आनी चाहिए, आप कायर नहीं है, आप वीर की संतान है, आपको फेस करना है। अंजना ने, द्रौपदी ने, किसी ने सुसाइड नहीं किया, कभी जिंदगी में सुसाइड नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, आत्म समाधि करने का प्रयास करेंगे और कराने का भी प्रयास करेंगे। अपने माता पिता की समाधि कराएंगे, पशु पक्षी घायल पड़े हों, तड़फ रहे हों, समाधि कराने का प्रयास कराएंगे। अपने बुजुर्गों की समाधि कराएंगे, अपने माता पिता, दादा दादी, जो भी मिले, जो भी, उनकी समाधि करने का, कराने का प्रयास, और अपने जीवन में भी समाधि की भावना भाएंगे। विशेष चर्चा आपको अलग से मिलेगी, अब इसकी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। और कोई पॉइंट हो तो बोलो इसमें से, क्या रहा, आगे बढ़ाइए बेटे, हाँ थोड़ा, हाँ पॉइंट है अभी, माँ बाप की सेवा और आज्ञा में रहने का नियम। यदि आप अहिंसाणु व्रत हैं, पालते हैं, अहिंसा का पालन करते हैं, तो ये पहला नियम होना चाहिए कि दुनिया में हम अपने माता पिता का दिल नहीं दुखाएंगे, माता पिता की सेवा में रहेंगे और आज्ञा में रहेंगे। फिर से बोल रहा हूं, माता पिता की प्रसन्नता हमारा बहुत बड़ा, कल भी पढ़ाया था मैंने सुबह की कक्षा में, कस्बे जो बच्चे थे यहां पर उन्होंने बहुत विस्तार से सुना इसको, उसको ऐड कर देना इसी में सुनने के लिए, बहुत सुंदर ऐड है वो। माता पिता की आज्ञा में और उनकी सेवा रहेंगे, सास ससुर की, और भी लिखा कुछ, क्या लिखा है, हाँ अपने सास ससुर परिजन पुत्रादि की रक्षा करना, इस पे तो एक घंटा बोल सकता हूं, पुत्रादि की रक्षा करना, पुत्रादि की रक्षा करना, ससुर की भी, सास की भी, परिजनों की भी। इसका क्या मतलब, जो मम्मी अपने बच्चे को रात्रि में भोजन कराती है वे अपने पुत्र की रक्षा नहीं कर रही, रात को 10 बजे जगा के दूध पी रहे, बेटा दूध पी ले और नरक में जा, तो रक्षा कहां कर रही हो, ये अहिंसा नहीं हो रही, हिंसा हो रही। बच्चों को रात में खिलाने पिलाने की आदत डालना नहीं चाहिए, चर्चा तो बहुत लंबी हो जाएगी। बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया, अब बच्चा टक टक लगा हुआ है, अम्मा भी आराम से जो काम कर रही कर रही, नहीं तो सो रही है। मैं इस पर अभी आपके बीच में ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन बच्चों को मोबाइल दे देना बच्चों की हत्या करने जैसा है। क्या बोल गया, जरा बोलो, मैं गलती से नहीं बोल गया, हाँ ऐसी बात। आत्महत्या करने के बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका तो वही जो आप सब समझते हो, और दूसरा तरीका है मोबाइल, बताऊंगा थोड़ी देर बाद, अभी आगे बढ़ते। पर सास ससुर का आदर करें, कहां लिखा था, लिखा है, हाँ ऊपर चला गया, सास ससुर क्यों, उस बहू को खुद सोचना चाहिए कि स्वयं जब सास बनेगी तो क्या चाहती हो। आप अपने बच्चे बच्चियों को जो मुंह से सिखाते हैं वो नहीं सीखते, बच्चे बच्ची वह सीखते हैं जो मम्मी पापा करते हैं, इसको कहते हैं हम कल्चर। विनय का कल्चर होना चाहिए, आप इतना अच्छा आचरण करो कि बच्चे आपको देख करके सीख जाए। इसकी भी छोटी छोटी पिक्चर्स है मेरे पास,
मम्मी पापा जब अच्छे से बिहेव नहीं करते तो बच्चे भी उन्हीं के साथ वैसे बिहेव करते हैं। इसे आप चाहें तो पिक्चर देख सकते हैं, नेम प्लेट नाम की छोटी सी पिक्चर है, वो आप देख लेंगे, और भी मिल जाएंगी छोटी छोटी। आगे देखिए, एक पॉइंट याद आया था, वो कहना चाहता था, आएगा थोड़ी देर में याद, मैं बताऊंगा, इसी को बोलते बोलते भूल गया मैं, समझ में आया। चलो आगे चलते हैं अपन। नंबर दो, सत्यानुव्रत। पहला कौन सा था? नंबर दो, सत्यानुव्रत। सत्यानुव्रत सिंपल बात तो यही सही बोलना चाहिए, लेकिन इसमें बहुत आपको जानकारी मिलेगी, गाइडलाइन मिलेगी, सत्य कैसा होना चाहिए। सत्य ऐसा नहीं होना चाहिए, बुंदेलखंड में ऐसा बोलते हैं, कॉपी छोड़ दो बेटे, आपको चौथी बार हम वार्न कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं सुना है आपको, आप तो हमें देखिए बस केवल। हाँ अच्छी बैठी बेटी, आपको नींद आ रही? नींद नहीं आ रही मतलब आप ऐसे नहीं बैठे, झुक कर बढ़िया मस्त लगते हो आप जब ऐसे बैठते हो तो। हाँ चलिए फिर से आप हाथ छोड़ दीजिए, आपका पेट खराब है। मैंने कल रात को ही बोला था जिनका पेट खराब होता है वो ऐसे ही बैठती है। हाँ जिनका पेट खराब है वो आज मेरे से मिल लेंगे, ठीक है? चलिए आगे चलिए ऐसे। हाँ बुंदेलखंड की बात बोल रहा था, आपने देखा जब भी लड़ाई होती है तो महिलाएं बहादुरी के साथ बोलती है, बुरा लगे तो लग जाए, 36 बार लग जाए, हम तो सांची सांची कह रहे, बुरी लगे तो मिर्ची लग गई, हमने बोला सही सही बोला था मिर्ची लग गई। नहीं उसका नाम सत्य नहीं जिसने मिर्ची लगे। आपने एक बात सुनी होगी, सत्य कड़वा होता है। जी नहीं, ये झूठी कहावत है, सत्य हमेशा मीठा होता है, सत्य कड़वा कभी नहीं होता है। सत्य को बोलने का प्रकार कड़वा होता है, सत्य को बोलने की स्टाइल गंदी हो सकती है, वो कड़वी हो सकती है, लेकिन सत्य हमेशा मधुर होता है और सत्य का फल भी मधुर होता है। दो बातें बोली, कौन कौन सी बेटे? सत्य हाँ, और सत्य का फल भी मधुर होता है, सत्य कभी खराब नहीं होता। मेरा यदि बस चले तो एक घंटा बोलूं इस बात पर कि हम कितने परेशान हैं इससे, सत्य नहीं बोलने से, करेंगे उसकी चर्चा। आगे देखिए, हाँ सत्य की पहली शर्त हित मित और प्रिय, तीन बातें, हित मित और प्रिय बोलना चाहिए। हित सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए, आप जो सत्य बोल रहे उससे किसी का हित होना चाहिए, किसी का काय अपना भी और दूसरे का भी हित होना चाहिए। अभी इतनी शैली का समय नहीं तो एक घंटा इस पे ही बोलते हम, हितकारी क्या होता है। मित का मतलब होता है न्यूनतम, मैंने कम बोलिए, मित मितव्ययी नाम से ना, मितव्ययी कम बोलिए, ज्यादा नहीं बोलिए। कई लोगों की ऐसी गंदी आदत है, मोबाइल पर बात करते हैं ना, जो आजकल मोबाइल ने बिगाड़ दिया या बिगड़े हुए लोग मोबाइल करते हैं, मुझे नहीं पता, एक ही बात को चार बार, हाँ तो फिर मैंने आपसे कहा था आप वहां आ जाना, आ जाओगे ना, तो मैंने कहा आप याद रखना वहां आ जाना, अब चार बार रिपीट ही कर जाए, आ जाना आ जाना आ जाना, अरे एक बार बोल दिया आ जाना खत्म हो गई बात। बताओ हमने क्या गलत कहा था, हमने इतना ही सा तो कहा था कि आ जाना, फिर वो चार ही बात रिपीट। और जी फिल्मी स्टाइल के गंदे लड़के लड़की होते हैं ना, उन्हें बातें तो कुछ होती नहीं, चार चार घंटा लगे टक 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 टक, कुछ वही की बात है लगे रिपीट। एक बहुत अच्छी बात बोलू एक बहुत अच्छी बात बोलू ध्यान से सुनना बेटे, 5 रुपए की चीज आप 20 रुपए में खरीदो तो आपको इस बात का दुख होगा कि हम ठगा गए। क्या बोला हमने? 5 रुपए की चीज 20 रुपए में खरीदे तो आपको नहीं लगेगा आप ठगा गए। जो चीज 5 मिनट में हो जानी चाहिए चर्चा, वो 20 मिनट में हो रही है, आपको नहीं लगता कि आप समय से ठगाए गए? आपकी जिंदगी के 20 मिनट बहुत कीमती थी। झांसी के रेलवे स्टेशन पर एक बहुत प्यारी बात लिखी मिली मुझे, बुक स्टॉल एक बहुत प्यारी, श्री राम बालो है ना, श्री राम वर्मा शर्मा क्या है, श्री राम शर्मा उनकी, इतनी 1 करोड़ रुपए चला जाए तो दुख मत मनाइए, क्योंकि पुण्य का उदय होते से 1 करोड़ फिर आ जाएगा। क्या कहा? 1 करोड़ का लॉस हो जाए तो दुखी मत होइए, क्योंकि 1 करोड़ रुपए का पुण्य होगा तो वापस आ जाएगा। लेकिन लेकिन जिंदगी 10 मिनट चले गए आपके,
आप तीन लोग का सारा पुण्य इकट्ठा होकर आया है तो अभी वो 10 मिनट आपके वापस नहीं आ सकते। ये बात मैंने कुछ कही बच्चों से, आप बातचीत करें तो मित 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 मैंने कम बोले, कम शब्दों में बोले। एक प्रतियोगिता होती है, आपको वो इसीलिए होती है, कौन सी? भाषण प्रतियोगिता। 5 मिनट का टाइम दिया जाता है आपको। एक बार विनोबा भावे या रविनाथ टैगोर का होगा। रविनाथ टैगोर को बोला कि कल आपको वहां आना है हमारे बच्चों की सभा में और आपको इस विषय पर 5 मिनट बोलना है। तो एकदम नाराज हुए, नाराज मैंने उन्होंने अपनी नाराजी जताई, बोले यदि आपको हमसे 5 मिनट में कुछ बात कहलानी है तो ये बात हमको 15 दिन पहले बतानी चाहिए। मैं इस विषय पर 5 घंटे बोल सकता, इसमें मेरे को कोई तकलीफ नहीं, लेकिन 5 मिनट के अंदर मुझे कौन कौन सा हे उपाधेय है, कौन सा पॉइंट लू, कौन सा नहीं लू, ये सोचने के लिए मुझे 15 दिन देने चाहिए थे आपको। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कही थी ये बात। ऐसी आप सोचिए, बोलने से पहले सोचना जो सीख जाते ना, क्या बोले मैंने? बोलने से पहले सोचना, बोलने से पहले सोचने वाले कभी पछताते नहीं। कई बार कई लोग ऐसे होते हैं, बोल पहले लेते हैं फिर सोचते बात, ओ जी क्या कर दिया मैंने, जी क्या निकल गया, ओह अब क्या सोच रहे होंगे सब लोग, अब परेशान हो गई। कौन सी आदत डालनी है आपको? बोलने से पहले सोचना। धीरे धीरे आएगी, एक दिन में नहीं आएगी, लेकिन आप ध्यान रखेंगे तो आएगी। मैंने बहुत अच्छी बात सुनी थी सूक्ति, जो अनकहा बोलते हैं उन्हें अनकहा अनसोचा अनचाहा सुनना पड़ता है। क्या बोला मैं? सूक्ति क्या बोली? जो अनचाहा बोलते हैं उनको अनचाहा सुनना पड़ता है। बिना सोचे समझे कुछ बोलेंगे आप, फिर आपको चाहे जैसा सुनना पड़ेगा। यदि आप नहीं सुनना चाहते हैं, झगड़ा नहीं बढ़ाना चाहते, स्ट्रेस फ्री लाइफ, तो हित मित प्रिय, तीसरा कौन सा हो गया? प्रिय। मधुर भाषा बोलो, मधुर समझ गए? मधुर नहीं समझे? कोई बात कहने से पहले बहुत अच्छे सोचेंगे तो बहुत मीठे से बोलेंगे आप, और नहीं जैसे इतने आ खा ले, ये बहुत बुरा शब्द लगता है, मीठा नहीं है। आइए आप खाएंगे, आइए लीजिए ना, ये कितनी अच्छी भाषा लगती है। बोलो कोई तुमको, कोई भी हो, आपको ऐसे बोला क्या कर रहा है रे, इधर आ बैठ ले खा, कैसा लगता है? ध्यान रखना बेटी, सभी लोग ध्यान से सुनना, बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं मैं, जानता हूं मैं 50-100 घंटे का प्रवचन 1 घंटे में कर रहा हूं, मैं शॉर्ट नहीं कह सकता हूं। शिक्षा हमारी संस्कृति और सभ्यता को सुधारती है। यदि आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो लोगों को आपकी वाणी से लगना चाहिए, ऐसे नहीं चड्डा बड्डा पहनी आए, 2 बटन खोल लिए रेलगाड़ी में, कहा कर रहा है रे, उल्टा सीधा बोलने लगे चाहे जैसे, जी नहीं होना चाहिए आप। आप अच्छा सोचे अच्छा बोले, ये आपका कल्चर है। हाँ, पहली विशेषता क्या हुई सत्य की? हित मित प्रिय बोले। चलिए कोई बात नहीं, आगे बोलो। बड़े माता पिता दादा दादी गुरुजनों से पारदर्शिता बनाए रखने का नियम ले, बहुत कठिन है थोड़ा, लेकिन जरूरी है, कंपलसरी। 100% ट्रांसपेरेंसी मोक्ष का कारण होता है। बच्चे आपके साथ बहुत सारी गलतियां होती हैं, कुछ गंदे लोग मिलते हैं आपको, मोबाइल में गंदी चीज दिखा दी, आपको रिपोर्ट करनी है मम्मी को, ये बहुत गंदे अंकल गली में, इनने हमको पिक्चर दिखाई। आपका रिएक्शन वो लड़का 3 दिन तक देखेगा, लड़कियों का रिएक्शन कोई कमेंट्स करने के बाद, सीटी मारने के बाद, वो लड़का 3 दिन तक देखता है, तुम्हारी मम्मी पापा को गौर से देखा, तुम्हें देखा, जब वो ये देखता है कि कोई रिएक्शन नहीं आ रहा मम्मी पापा की तरफ से और तुम्हारी तरफ से, तो अगली स्टेप पर वो और गंदा काम करेगा, तीसरी स्टेप पर और गंदा काम करेगा, चौथी स्टेप पर और गंदा काम करेगा। हर बच्चे को अपने वार्डन, अपने सुपरिटेंडेंट, यदि घर में है तो मम्मी पापा, भैया, जो आपको लगता है कि वो ट्रांसपेरेंसी बर्दाश्त कर सकते हैं। क्या बोला? तो आप उन्हें आकर बता दीजिए, मेरे स्कूल में 5 दोस्त हैं मेरे, एक बहुत गंदा है, गाली पकता है, आप बता दीजिए। बच्चियां यदि होती यहां पर तो मैं बच्चियों के लिए कहता, कोई लड़का खड़ा खड़ा आप देख रहा है 3 दिन से, आपको रिएक्ट करना है आपको, उसे ऐसा लगना चाहिए यू डोंट, आप लाइक नहीं कर रही बात,
आप अपने भैया के साथ, सिस्टर के साथ, सहेलियों के साथ जाइए, अकेले मत जाइए, गलियों में से मत जाइए, अंधेरे में से मत जाइए। रिएक्ट करना है आपको। मैंने अपने मम्मी पापा से ट्रांसपेरेंसी करी। मैं आप मेरे पास लेख है इस संबंध में, आप पढ़ लेना लेकर के, कि ट्रांसपेरेंसी से आपको क्या क्या फायदे होंगे। छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन हम मम्मी पापा से तक नहीं बता पाते और इसके बड़े बड़े रिजल्ट आते हैं डिप्रेशन के रूप में, सुसाइड के रूप में। फिर बोलता हूं, कोई बात अपने पेरेंट्स से मत छिपाए। आगे चलिए। झूठ का एक रूप जो आपके बीच में बहुत फेमस है, बहाने बनाना। क्या बोला? बहाने बनाना। बहाने बनाना, बहाने समझते हैं ना, क्या कहलाता है? लैम एक्सक्यूज। अंस क्या बोला? लैम एक्सक्यूज, समझते हो ना? लैम एक्सक्यूज। जिस समय क्लास में जाना था उसी से पेट दुख रहा है, वो जिनकी मरोड़ उठ रही है, अब झूठा बहाना बना दिया। लेकिन फिर कहता हूं, झूठे बहाने बनाने वाले को स्ट्रेस हजार गुना होगा। ठीक है, आज आप नहीं जाएंगे, एक दिन आपको रिलैक्स मिल गया, लेकिन परीक्षा तक आप रिलैक्स नहीं कर पाएंगे, वो सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा, फिर आप 10 लोगों से पूछेंगे तो स्ट्रेस में रहेंगे, फिर होमवर्क कंप्लीट नहीं होते स्ट्रेस में रहेंगे, फिर जैसे जैसे कर भी लेंगे ना तो समझ नहीं आ पाएगा, आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया, टीचर से कॉपी जजवा ली, परीक्षा के टाइम में आपको समझने में और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर भी नहीं समझ में आया तो परीक्षा में फेल हो जाएंगे उस विषय। बहाने बनाने वाला आदमी कभी स्ट्रेस फ्री नहीं हो सकता, समझ गए सब लोग? तो बहाने नहीं बनाना, अभी शॉर्ट में बता रहा हूं, क्यों एक एक घंटे के चैप्टर है सब, बहाने बनाना। हर फील्ड में कैसे कैसे बहाने बनाते वो बता सकता हूं, लेकिन समय लगेगा, इसे छोड़। कोई भी कार्य बिना पूछे नहीं करें, और यदि कर लिया हो तो जल्दी से बता दें। गलती कितनी बड़ी हो, जैसे किसी ने जल्दबाजी में गलती से जेहर खा लिया, तो जल्दी से जल्दी बता दो मैंने खा लिया। एक बच्चा गलती का जानबूझ करके खाया, फिर बहुत तबीयत खराब हो रही थी उसकी, बेचैनी, भयंकर बेचैनी। मम्मी पापा पूछे, बेटे क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, झूठ बोल रहा, कुछ नहीं। आखिरकार मर गया। बाद में मालूम तो पड़ ही जाता है मम्मी पापा को, यदि वो सही बता देता कि मम्मी मैंने अभी आज जहर की टिकिया खाई है, मैंने गोलियां खा ली नींद की, तो मम्मी फौरन वॉमिटिंग करा देती तो आप बच जाती, डॉक्टर से बचा देते आपको, कुछ ना कुछ उपाय किया जा सकता था। जिंदगी में झूठ नहीं बोले, मैंने ट्रांसपेरेंसी रखें और पूछ करके काम करें। अगला है, देखिए, झूठ नहीं बोले, चुगली नहीं करें। चुगली भी झूठ है, चुगली तो समझते सब लोग, बहुत गंदी बात है। चुगली करने का मतलब, बहुत गंदा एग्जाम्पल दूं, जल्दी याद रह जाए आपको, सबसे गंदा एग्जाम्पल चुगली करने का। चुगली करना ऐसा है कि पहले तो हम उसे देखते रहे, अब बेटा अब देख, अब मैं बताऊंगा किसी दिन तेरे को, आज तेरी मैंने देख ली गलती। बोलो अब गंदा दृष्टान, कहते हैं ऐसा हो गया जैसे सुअर लैटरिंग कर रहा हो और तुमने उसकी लैटरिंग करते हुए देखा, फिर लैटरिंग मुंह में भर ली और याद रख रहे हो, उसे याद रख रहे हो, तुम्हें को मैंने लैटरिंग करते हुए देखा था, और फिर गुरु जी के सामने वो गलती, इतना गंदा लड़का है। अरे चुगली करने की जरूरत क्या है? कल वो एक बहुत अच्छी बात बोली थी सुबह अपने, याद है आपको? दोस्त गलती करने लायक नहीं है, गलतियों से अपने को दूसरे को, याद है कल सुबह का। गलती कितनी भी बड़ी हो, हमारी या दूसरे की, उससे अपने को नीचा देखने लायक भी नहीं है और नीचा दिखाने लायक भी नहीं है। क्या बोला? गलतियों से नीचा देखने लायक भी नहीं है, दिखाने लायक भी नहीं है। हाँ आगे बोलो, मिटाने लायक। चुगली करना समझ गए बेटे, इतनी गंदी बात है। कई लोग हैं जो बुराइयां करते हैं मंत्रा की तरह, मंत्रा समझते हो नहीं समझते हो? इधर की उधर करना, मिर्ची उड़ाना, क्या लगा मिर्ची लगा लगा के बोलना, इस समझने में गंदी बातें याद नहीं रखना कभी, गंदी बातें वॉमिट थू बात चढ़ती कभी, समझ में? आगे देखो, सत्यानु व्रत में एक और चीज आ रही है, पराई निंदा नहीं करना, अश्लील गालियां नहीं बोलना। मैंने गालियों का सीधा निषेध नहीं किया, मैं जानता हूं निकलती है ढोर गधा पाजी बेवकूफ, ये भी गालियां हैं, लेकिन कम से कम आपको अश्लील गालियां नहीं देनी। सत्यानु व्रत अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। तुम बहुत ध्यान से सुनो सभी लोग, सत्यानु व्रत अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। पक्का? सत्य बोलना चाहिए, अभी सत्य बोलोगे सभी लोग?
रेडी? चेहरा क्यों लटक रहा है? अच्छी तरह तुम्हारे के वो सर्वाइकल हो गई क्या? बढ़िया, एकदम स्ट्रेट बैठना सीखो बेटे विद्यार्थी जीवन में। ऊपर देखो बेटे, नीचे से हाथ हटा। हाँ, आपको अटेंशन चाहिए मुझे। आप कहो तो छोड़ सकता हूँ, कोई बात नहीं, मैं छोड़ देता हूँ, बस इतना सा पॉइंट पूरा कर देता हूँ, बाकी रात को पढ़ा देगी। ठीक, पैर नहीं हिलाइए। अब अच्छे हाथ हटा के ऐसे बैठ जाइए। वेरी गुड। जब तक आपका टेंशन नहीं हुआ आपको मजा ही नहीं आएगा, इसीलिए आप हंस नहीं पाते। बीच बीच में वो बच्चे हंस पाते जो सुन रहे हैं, रिएक्शन वो बच्चे दे पाते जो सुन रहे हैं। सुन तो रही हैं आप, अच्छे सुन। क्या बात कह रहा था मैं, भूल गया। हाँ सत्य बोलो। तो बोलने के लिए तैयार हो आप? मंदिर में सत्य बोलोगे? झूठ नहीं बोलेंगे, शर्म नहीं करेंगे, पक्का? कौन कौन बच्चा ऐसा है जिसके मुंह से माँ बहन की गाली निकल जाती है? सत्य बोलना है मंदिर में, झूठ नहीं बोलना है। विदाउट हेजिटेशन, विदाउट एनी सैमिंग, नहीं निकलती। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आपके सत्य बोलने के साहस के लिए धन्यवाद। वेरी गुड। और कोई? कभी नहीं निकली कभी? कभी? वेरी गुड, वेरी गुड। हिम्मत कर रहे दीदी है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। वेरी गुड। एक दो तीन चार पांच, ये सत्यवादी, बाकी सब असत्यवादी। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं नहीं निकली। आपकी शकल बता रही निकली है, लेकिन वो शकल बता रही है आपकी। बेटे मैं तो इसलिए कह रहा हूं, सत्य बोलने में साहस जिसका होता है वो ही उसको जीत सकता है। पग भाई जी ऐसा दृष्टांत देते थे, जो सोया है ना उसे जगाना सरल है, लेकिन जो जानबूझ के सो रहा है उसे नहीं जगाया जा सकता। एक बार फिर से ट्राई करूं, कभी ना कभी निकली हो तो भी आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं। हाँ हैंड सर, वो पीछे देख रहा है। क्यों देख रहा है पीछे? अपनी तरफ देखना। हाँ, माँ बहन की गंदी गाली किस किस के मुंह से निकली, पांच के अलावा? वेरी गुड। एक ने और हिम्मत की, दो ने हिम्मत की, तीन ने हिम्मत की। वेरी गुड। चार पांच, वेरी गुड, छह। देख जी उधर देख रहा है, इसका मतलब निकली है। बहुत हिम्मत चाहिए सत्य बोलने के लिए। कोई बात नहीं बेटे, नीचे कर लीजिए। मैं आपको इन गालियों का सेंस बताऊंगा, आप खुद सोचें तो ही आपको लगेगा नहीं नहीं देना चाहिए। फिर कहता हूं, इट इज अवर कल्चर। 99% लोगों को मोक्ष जाने की बात तक नहीं मिली है, उनके लिए सेक्स के सिवा कुछ नहीं मिला। कमाओ खाओ एंजॉय, बस एक ही चीज मिली है, दे माँ बहन, दे है। नहीं बेटी, आप बताइए, आपको मोक्षगामी 1% में शामिल होना है या 99% निगोदगामियों में शामिल होना है? बस ये हमें करना है कि हम आपस में रोकेंगे भी टोक करके, और स्वयं भी अपने आप को चेक करेंगे, हम गंदी गाली नहीं बकेंगे। मेरे मम्मी पापा का मेरे ऊपर अनंत उपकार इस मामले में, मेरे मुंह से एक बार भी गाली नहीं निकलने दी, एक बार भी। यदि एक बार भी निकलती थी ना कोई गाली, मामी ने तो कभी निकली नहीं, तो धड़ा धा। उसके पीछे मेरे पापा की एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, मेरे पापा ने मेरे को कभी भी गलियों में खेलने नहीं जाने दिया। स्कूल कॉलेज पर रोज चेक रखते थे, कितने बजे आप गए, कहां गए, कहां आए आप, मुझे खेलने नहीं दिया। उससे फायदा हुआ कि जो बच्चे गंदी गालियां बकते ना, वो अवसर ही नहीं मिला। मालूम बेटे, आप लोग कई बार तकिया कलाम समझते, तकिया कलाम, गाली का तकिया कलाम, बात बात पर निकलती, बात बात पर। मैंने ऐसे लोगों को देखा है प्रवचन करते करते निकल जाती है। चार लोग चर्चा कर रहे होते हैं, चार चार लोग चर्चा, और जरा वो आवेश में आ जाते हैं, आवेश में। तो आचार्य कुनकुन स्वामी के साथ वो गाली लगा दी उन्होंने भोपाल में। मैंने सुनी, अपने बहन की आदत थी उनको, बहन की बात बात में कभी बात थी। मैं बोल दे, आप यदि शर्मिंदा नहीं होना चाह रहे, आप अपनी प्रतिष्ठा चाहते हैं, समाज की प्रतिष्ठा चाहते हैं, 1% में शामिल होना चाहते, तो आंसर क्या करना है बोलो? गाली गाली भी अश्लील गालियां नहीं देना। वेरी गुड, आगे चलिए। मर्मत छेदी वचन नहीं बोलना, ऐसे वचन नहीं बोलना, अरे वो लंगड़ी, अंधू, अपाहिज। आपको पता है इस समय पूरे इंडिया में एक शब्द चल रहा है, अपाहिज को अपाहिज नहीं बोलते, लंगड़ा लूड़ा नहीं बोलते, दिव्यांग, दिव्यांग। सुना नहीं? सुना आपने? डब्बे पे लिखा रहता रेल की बोगी पर, दिव्यांग। आजकल उनके लिए लैट्रिन बाथरूम बनाए गए, दिव्यांग के लिए लैट्रिन बाथरूम। अच्छी भाषा बोलिए, कभी खराब मत बोलिए।
मर्मत छेदी वचन नहीं बोलने। अब एक और बहुत मार्मिक बात है, अफवाह नहीं फैलाएं, र्यूमर। हमने तो सुनी थी कभी इस तरह से मत बोलिए, हमने तो सुनी थी। आपने सुनी थी तो आप प्रमाणित करके बोलिए, कभी मत बोलिए। आपने आपने इस लड़के ने आके इस लड़के के बारे में इधर एक बात बताऊं, क्या बाथरूम में मैं इतने में करंट लग गया, फिर तीसरे को, चौथे को, पांचवे को है, भीड़ लग गई। तो फिर सभी इकट्ठे हुए हॉस्टल में, क्या हुआ क्या हुआ बाथरूम में, क्या हुआ? नहा रहा था इतनी सी बात को इस तरह से बोला कि नीचे से ऊपर तक करंट दौड़ गया, क्या हुआ? समझ आया हंस नहीं आया? मतलब कभी र्यूमर नहीं फैलाए, मार्केट में भी, धर्म के क्षेत्र में भी, किसी मुनिराज के बारे में, विद्वान के बारे में, त्यागी के बारे में, किसी के बारे में र्यूमर नहीं उड़ाए। प्रमाणिक वचन बोलने की आदत डालें। अंतिम, और आज की सभा का भी अंतिम, धर्म मार्ग में हतोत्साहित करने वाले वचन कभी नहीं बोले। अगेन रिपीट, मैंने इसका सामना बहुत किया, आप भी करोगे। आप में से कोई भी व्यक्ति कहे ना मैं ब्रह्मचर्य लेना चाहता हूं, तो फौरन हतोत्साहित करो, ब्रह्मचर्य ऐसे जी क्या हो गया? फिर धीरे से बोलेंगे ब्रह्मचर्य आसान नहीं है। फिर बोलेंगे अच्छे अच्छों के परिणाम गिर गए, तो खराब खराब के अच्छे हो गए। देखो हमने धूप में सफेद नहीं करे बेटा, हमारी मानो तो तुम्हारी क्यों माने, आचार्य कुनकुन की मानेंगे ना। मतलब इतनी इतनी बातें होंगी धर्म क्षेत्र में, नहीं कैसी कैसी। और यदि कोई तुम्हारे मम्मी पापा को जाके बताए ना तुम्हारा लड़का बिगड़ गया, हाँ तो क्या हुआ, सभी तो बिगड़े, सभी तो गाली बकते हैं, उसमें क्या हुआ? पंडित जबरन पीछे पड़ी गाली गाली गाली, अरे बेटा सा एक ही तो लाडला है हमारा, देखो तुम्हारी बच्चा कैसी हरकतें कर रहा है, मोबाइल देख रहा है, पला कर रहा है, बातें कर रहा है। अब उम्र ही है, उनको कभी नहीं कहते हतोत्साहित करना चाहिए। मतलब पाप मार्ग में हतोत्साहित करने वाले कम मिलेंगे आपको, लेकिन धर्म मार्ग में हतोत्साहित करने वाले बहुत मिलेंगे। इतना सा बच्चा कहे ना मैं उपवास करना चाहता हूं, तो हंसी उड़ाएंगे अपन ही सब मिले, ओ पंडित जी, पंडित जी, त्यागी जी, इसमें से कोई छना पानी पीता ना, कोई छना पानी, अपना छन्ना लगा ले पानी पी ले, तो वाह पंडित जी सीधे स्वर्ग जाओगे। आपने पढ़ी हो बालू की कहानी, पंडित जी को स्वर्ग पहुंचाने वाले खुद ही तैयारी करने लगे, और फिर आखिरकार जिन्होंने रात्रि में भोजन नहीं किया था उन्होंने ही उन्हें हॉस्पिटलाइज करके बचाया उनको। आपकी समझ आई बेटे? कभी ध्यान रखना पूजा करने वाला, अब आप में कोई बच्चा पूजा करता इसी को पुआ पंडित है, पौंगा पंडित है, पूजा करना है, धीरे पूजा पूजा क्या रखा है इसमें। तो हम एक बात पूछ रहे भाई इंग्लिश सॉन्ग में क्या रखा, भाई इंग्लिश सॉन्ग कोई समझाओ ना ऐसे कान में ठेटा लगा के। और कोई देखे ओ मॉडर्न, मैं नहीं समझता आप में से 90% को तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं ये भी नहीं समझ में आता हुआ, लेकिन मॉडर्न दिखने के चक्कर में ठिंग ठोंग ठिंग ठोंग ठिंग ठोंग 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 क्या गाते हैं क्या बजाते हैं उसे पता ही नहीं लगता। आप समझिए बेटे, हतोत्साहित कभी नहीं करें, स्वाध्याय करने वालों को हतोत्साहित नहीं करें, पूजा करने वालों को हतोत्साहित नहीं करें। ए जड़ की क्रिया है, तू इतना नहीं समझता जड़ की क्रिया है, नहीं कभी नहीं बोले ऐसे, क्रियाकांडी नहीं बोले, पोंगा पंडित नहीं बोले। ये सब आपको तब तकलीफ दे होगा जब आप इस मार्ग में आएंगे, तब आपको इसका सामना बहुत बुरी तरीके से करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हूं हम अपने धर्म अपने कल्चर का आदर करना ना करें और दूसरों के सामने मजाक उड़ाएं। एक अंतिम बात कहना है मुझे बेटे, इसी मामले में मैं लिख भी दूंगा या इसी से समझ लीजिए आप, कभी नॉन जैन के सामने ये मत कहो हमें सब चलता है, तुम कैसे जैन हो? हाँ मैं तो ऑलराउंडर जैन हूं मुझे सब चलता है। नहीं नहीं बेटी, भारत की ध्वजा यदि आपके हाथ में है तो आप भारत के खिलाफ बोलेंगे नहीं, भारत की ध्वजा आपके हाथ में है,
आपको सब नहीं चलता है, ओलंपिक में आप भारत की ध्वजा लेकर जा रहे हैं तो आप उसका सम्मान रखेंगे। यदि आप अपने नाम के साथ जैन लगाते हैं, मुमुक्षु लगाते हैं, तो आपको उसका सम्मान कायम रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए क्यों हमने तो ना सुना है तो मुमुक्षु, अरे हम वैसे मुमुक्षु नहीं है, सड़क छाप मुमुक्षु है। ले आओ आलू का चमक भला, ले आओ रात्रि भोजन और ड्रिंक। सुनो, ड्रिंक के नाम पर लोगों का दिमाग भही जाता है। हम ड्रिंक नहीं बोलेंगे, आप जल कहिए, पानी कहिए। डू यू लाइक टू ड्रिंक वाटर, बोलिए, अच्छे बोलिए। एक सच्ची घटना सुना के बात खत्म करते हूं। हमारे गांव में खनिया दाना में लड़का लड़की देखने आया, सड़क पे चौराहे पे निकले तो सड़क पर लोगों से पूछा, यहां कहीं ड्रिंक मिलेगा, ड्रिंक मिलेगा, ड्रिंक। तो हमने बता दिया बस स्टैंड पर, बस स्टैंड चले गए, बस स्टैंड से ड्रिंक पी के आ गए। अब वो लड़का तो चला गया देख के, वो हमारे गांव का ही था, बीदी सा था, तो वे लोग हमारे पास आ गए। हमने सुना लड़का ड्रिंक करता है, तो हम ड्रिंक करता है, हमने तो नहीं सुना ऐसा कि ड्रिंक करता है, कन्फर्म करने आए हमारे पास। हमने फौरन फोन लगवाया उसे, मैंने क्यों तुम बोतल मांग रहे थे सड़कों पे, ड्रिंक मांग रहे थे। तो वो हंसने लगा, पंडित जी हम तो कोको कोला पीने गए थे, बोतल माने शराब की बोतल नहीं और ड्रिंक माने वो शराब नहीं, हम तो कोको कोला पीने गए थे, चार दोस्त थे चले गए। आप समझिए गलत भाषा का इस्तेमाल से भी परेशानी हो जाती। फिर हमने उन्हें बताया कि भैया वो तो ऐसा कह रहा था, आपके समझ आई बेटी, आप बहुत सेंसिटिव रहिए, सत्यानु व्रत में इतनी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसमें एक पंक्ति और है जो इसमें अभी नहीं लिखी गई है, इसमें लिखी होगी, जरा बोलिए, सत्यानु व्रत में ये लिखा, देखो अहिंसक सत्य बोलना, ये रीति सब देख, अहिंसक सत्य बोलना, ध्यान रखना। हिरण इधर गया है, हम सत्य नहीं बोल देंगे, इधर गया है, याद आ गया आपको, हिरण इधर गया लेकिन हम शिकारी से हम नहीं बोलेंगे इधर गया है। क्यों क्यों उत्तर, क्योंकि हम, हमारा सत्य भी अहिंसात्मक है, हम अहिंसात्मक सत्य बोलेंगे, याद रहेगी बस। अब समय हो गया है, अपन चलेंगे आज शाम की सभा में, बाकी का पार्ट और चलेंगे। ओम नमः शिवाय।